नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार बंजिया पंचायत में हमारी टीम सर्वे कर रही थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, लोगों का रुझान बदल चुका है। लोग चाह रहे हैं बदलाव के नज़रिए से देख रहे हैं, मगर सिलसिला किशनगंज में जो है लोकसभा चुनाव से चल रहा था कि नहीं बदलाव होनी है। तो बदलाव का नज़रिया जो लोगों ने रखा है वो चल रहा है और विधानसभा चुनाव तक की सीटें बदली गई है। अब जो है पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो होना है उसमें भी लोग बदलाव की नज़र से देख रहे हैं, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पंचायत में जो है विकास में बहुत कमी है। कई कमियों को हमने भी तस्वीरों में लाया है कि आखिर बिहार पंचायती राज में करोड़ों का फंड आने के बाद कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है। दलित समाज के लोग हैं जिनको शुद्ध जल का कनेक्शन मिला है, नलके खड़ी हैं, पानी गोल है, छोटी गलियों को बनवाना था वो नहीं किया गया है, जल निकासी का व्यवस्था नहीं कर पाया है। ऐसे में कई तस्वीरें जो सामने आई है वो बड़े ही दुख दर्द वाली बात है। क्या आखिर प्रशासन के लोग कहाँ हैं, या फिर यूं कहें कि किशनगंज प्रशासन भ्रष्टाचार में संलिप्त है, प्रतिनिधियों से मिलकर के कमाने में लगातार बने रहते हैं। आज हम बात करेंगे बलिया पंचायत से प्रत्याशी राजा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, और इस पंचायत में इनका कार्यकाल में कुछ लोगों का मानना था कि काम बेहतर हुआ था, आखिर वजह क्या थी, फिर अब जो है लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में है वो उन्होंने किस तरह से काम किया, दोनों ही तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इनसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं और इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। मुखिया जी, लाइव 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। आखिर लोगों के बीच में आपको फिर से दोबारा से नाम आपका क्यों आ रहा है, लोग इतना जो है काफ़ी ये रख रहे हैं कि मुखिया जो है युवा है और लोगों के बीच में हमेशा खड़ा रहता है। कुछ दलित समाज के लोग हैं कि जो आप ही के घर से लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, उन लोगों का कहना है कि हम लोग के क्षेत्र में विकास नहीं, राजा साहब जब थे तो कुछ ना कुछ होता था यहाँ पे, आज जो है कहीं और सीट चले गया तो जिसके कारण विकास नहीं हो रहा है, क्या ऐसा क्या नज़रिया है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पंचायत में कोई भी अगर काम हुआ है, इस काम के लिए जो पंचायत का जो मार्गदर्शन है, मापदंड है, उस पर काम नहीं हुआ है। पंचायती राज में आम सभा और ग्राम सभा होनी चाहिए। हमारे पंचायत में पिछले 5 साल ही नहीं, हमारे जो मुखिया हैं ये लगभग 47 साल से मुखिया रहे हैं, 5 साल बीच में मैं मुखिया रहा हूँ। इस 5 साल में मैंने धरातल में भरसक प्रयास किया कि आम सभा और ग्राम सभा हो, उसके माध्यम से काम हो। हमने लोगों से पूछ करके योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। जो हमारे अभी प्रेजेंट में मुखिया हैं वो लोगों से कभी पूछे नहीं, न ग्राम सभा किए न आम सभा किए, कागज के पन्नों पर ग्राम सभा और आम सभा किए, कभी भी लोगों को बैठा करके उनसे नहीं पूछा गया कि आपको क्या जरूरत है। जहां तक रही सवाल दलित समाज का, दलित और महादलित टोलों में तो कोई काम हुआ ही नहीं है, जबकि सरकार की योजनाएं हैं कि मिट्टी भराई हो और उसमें ईटा सुलिंग का कार्य हो। हमारे पंचायत में कहीं भी दलित और महादलित गांव में ईटा सुलिंग का काम और मिट्टी भराई का काम हमारे मुखिया द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा, एक लोगों का मानना ये भी है कि 7 निश्चय का फंड आया, वार्ड सदस्य काम कर रहे थे, गुणवत्ता नहीं है काम में, किनकी दोस्त है, प्रशासन या वार्ड सदस्य की? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो वार्ड सदस्य को सरकार नीतीश कुमार ने एक फंड दिया, लेकिन हमारे यहाँ के मुखिया काफ़ी दबंग रहने की वजह से वार्ड सदस्य को भी दरकिनार कर दिया गया, सारे लोगों से चेक पर साइन करा करके सारा पैसा ले लिए और काम मुखिया अपने द्वारा किया गया, मुखिया अपने द्वारा किए, वार्ड सदस्य को नाम मात्र का, मतलब बेचारे लोग वो लोग जाने नहीं, और उन लोगों को ठगी का काम किया गया है, नाम उन लोगों का चल रहा है लेकिन सारा काम मुखिया भी नहीं, मुखिया का बेटा द्वारा हमारे पंचायत में किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ दिखा जाए कि मुखिया बेटा द्वारा की जा रही है, यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है, सारे लोग दिख रहे हैं और मीडिया चैनल्स खास करके इस पर फोकस काफ़ी दिया हुआ है कि पंचायत में करोड़ों का फंड आया, जबकि यही किशनगंज का कई ऐसे पंचायत थे कि बहुत विकास से दूर था। आज कुछ ऐसे पंचायत हैं कि जो आदर्श के लायक बन गया है, मगर आपका बलिया पंचायत बहुत पीछे जा चुका है, क्या लगता है इन पर आप कैसे खड़ा उतरेंगे? देखिए, बलिया पंचायत में जहाँ तक मेरा खड़ा उतरने का बात है कि अगर हमको लोग सत्ता देती है, अगर हमें लोग जिताता है, और नहीं भी जिताया फिर भी हमने लोगों के सुख दुख में साथ रहा, पिछले 5 वर्ष हम लोगों के हर काम में साथ रहे, लेकिन अगर लोग हमें जिताते हैं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरूं और आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से कोई भी कार्य करूं। अच्छा, एक चीज़ है कि इस पंचायत से लोगों का ये भी मानना है कि कितना योजना आया, कैसे फंडिंग हुई, क्या काम हुआ, आज तक जनता के बीच में जाके एक मेन्यू लेके खड़ा होकर बताना हो, इस तरह के मामले में नहीं आए। आप यहाँ जनता मौजूद है, जनता को पूछ लीजिए कि किसी भी जनता को अगर पूछ करके काम किया गया है हमारे पंचायत में, कुछ अपने लोगों को, हमारा पंचायत में दलाली व्यवस्था भर ये है, बड़ा हुआ है। आप अपने आवाम को क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल है आपसे?
हम अपने आवाम को कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में सब लोग, हम लोग बलिया पंचायत के लोग आएंगे इलेक्शन में, सब लोगों में जो बेहतर काम कर सके, जो आपके सामने में आपके सुख दुख में खड़ा हो सके, वैसे आदमी को साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं तो हमको साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ लोगों से हम बात करें, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ है आखिर, रीजन क्या है? सर, ये बलिया पंचायत जब से बना है तब से कोई लाभ नहीं है, कोई गरीब का यहाँ पे नहीं दिया। सरकार एक तरफ रोजगार योजना चला रही है, मनरेगा से काम होना है, मनरेगा का है ना, लेबर कार्ड बनाया है, किसी को भत्ता नहीं मिला, बोले भत्ता मिलेगा 6 महीने का, कुछ नहीं मिला, सिर्फ कार्ड धरा दिया, राशन का हो गया इसका, इस कार्ड को इसको लेकर के आप लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से नहीं मिला? नहीं मिले, मिले तो सब फंड आ रहे हैं ना मुखिया के पास, मुखिया कुछ नहीं दे रहा है, सवाल नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है, पशु सेट का निर्माण हुआ था मनरेगा में, क्या हुआ हुआ है सब? अच्छा, मजकूरी है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, आप बोलिए कि पशु सेट वगैरह बन गया आपको? नहीं नहीं बना, वो कुछ नहीं बना है। क्या लग रहा है इस बार, कैसा नजरिया रख रहे हैं, बदलाव क्या? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है, पंचायत में विकास हुआ है आप लोगों का? कोई विकास नहीं हुआ है। बदलिएगा कि फिर क्या कीजिए? बदलना चाहिए मुखिया को, बदलना चाहिए। कैसे इस बार नेता चुनेंगे, किस टाइप का, विकास पर काम करने वाला या सिर्फ हवाबाजी करने वाला? नहीं, विकास पर काम करने वाला। क्या ये जो अभी प्रेजेंट में जो है वो क्या विकास नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी? हमारे 3 नंबर 4 नंबर में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। क्या लगता है, युवा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लगेगा हम लोग को, बदलने का इरादा क्या है? नहीं, बदलने का इरादा है। लगातार जो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जो हमारी नीति है, हमने जो पहल किया हुआ है, जो बलिया पंचायत में जो हमारी टीम सर्वे कर रही है, 60% लोगों का पसंद है राजा मुखिया। एक्चुअली इनका जो निकनेम है राजा से फेमस है, इसलिए मैं बार बार इस नाम को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि 60% लोगों का मानना है कि इनको फिर से एक बार मौका देना चाहिए, पंचायत में साथ कुछ व्यवस्था बदले। मैं भी ये शब्द कहना चाहता हूँ कि पंचायत में हर एक नेता को 5 साल रखिए, 5 साल के बाद बदलिए, तभी पंचायत आपका विकास और विकसित की ओर बढ़ेगा। अन्यथा आप लगातार अगर ऐसे मुखियाओं को रखिएगा तो मनोबल बढ़ेगा, अपनी मन का कार्य करेंगे। लाइव 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सूरज के साथ किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।